बहुत शुक्रिया जी, मैं आज हाजिर हुआ हूँ यहाँ पे वेडलॉक पॉलिसी के तहत जिनको वापस रिपेट्रिएट करके उनके बैंकों में भेजा जा रहा है। एक बहुत छोटा सा इशू है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुकूमत हर छोटे मसले को बड़ा क्यों कर देती है। यहाँ पे लोग कई कई सालों से, 20-20 सालों से बैठे हैं, उन्होंने घर यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे, ना पेरेंट डिपार्टमेंट उनको कबूल करने के लिए तैयार है, ना यहाँ पे ये अब एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 के अंदर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त राजा साहब थे, उनके पास मैं ही उस वक्त केस लेकर गया था, उन्होंने ये कर दिया था। उस पॉलिसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसी मौजूद है और उस पर किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना ये तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, ना ये पेंशन में इजाफा कर रहे हैं, ना महंगाई से कोई नबूरदा आजमा होने के लिए तैयार हैं। इवन ये जो जितने भी इर्द गिर्द हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, हमने तो आकर किसी से नहीं पूछा था कि आपको किसने भर्ती किया। हमने 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर रेगुलर किया था, हमने 18,000 लोगों को जो निकाले हुए थे उनको वापस बहाल किया था, 135% तनख्वाहों में इजाफा किया था, 100% पेंशन में इजाफा किया था। और हम ये समझते हैं कि ये बहुत छोटा सा इशू है, शफकत महमूद साहब को, इस हुकूमत को, जिसके कान तो नहीं है और अलमिया ये है कि उनकी आंखें भी नहीं हैं, ना वो कुछ देख रहे हैं, ना वो कुछ सुन रहे हैं कि इस मुल्क के लोगों के मसाइल क्या हैं, ना महंगाई को एड्रेस कर रहे हैं, ना बेरोज़गारी को एड्रेस कर रहे हैं। ये बेचारी खवातीन और ये बेचारे जो लोग यहाँ पे वेडलॉक पॉलिसी के तहत आए हैं, अब इनका कुल्हाड़ा उन पे आ गिरा। ये एक ऐसा पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कतई तौर पर ये कोई गुंजाइश नहीं है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको आप वापस इनके पेरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजें, उन्होंने कहा कि कोई पॉलिसी बनाए, तो पॉलिसी बनाने में कौन सा टाइम लगता है, क्या देर लगती है। सो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर इनके इश्यूज़ को हल किया जाए, ये कई दिनों से सड़कों पर मौजूद हैं। हमारी पार्टी, चूँकि अजलास शुरू है, मैं कल अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो कौमी असम्बली के अंदर भी उठाएँ, और चूँकि आज अजलास हुआ लेकिन एक हमारे ही MNA की डेथ की वजह से अजलास नहीं चल सका, तो कल मैं नवीद कमर साहब से और बाकी लोगों से और सेनेट के अंदर भी कहूँगा कि वो इस इशू को उठाएँ, और इस इशू को खुद ब खुद हल होना चाहिए था, हुकूमत को करना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं, जहाँ पे भी जो भी ज़रूरत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इस मुल्क के मेन कशों के साथ है, अब भी साथ खड़ी। बहुत शुक्रिया।